Hi everyone, I'm Shumbul, Arifa and I'm working at Microsoft as a software engineer. इससे पहले मैंने NIT कर्नाटका से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी CSE ब्रांच में. तो यार कॉलेज के 4 साल और अभी जॉब में 2 साल, टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे इस फील्ड में. एंड इन 6 साल में मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स फॉलो किए इस फील्ड के. एंड जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, काफ़ी सारी कंपनी से मुझे रिजेक्शंस भी आए थे, काफ़ी सारे ऑफर्स भी आए थे. बट मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था इस चीज़ का कि इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या राउंड्स होते हैं एंड क्या क्या रिसोर्सेज है जिसको हेल्प करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपसे वही शेयर करना चाहती हूँ कि इंटरव्यूज़ के राउंड्स का हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ रिसोर्सेज जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं. अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो, या फिर आपने इंटरव्यूज़ दे रखे हैं तो शायद आपको कुछ चीज़ें पहले से ही पता होंगी. बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर एक कंपनी हायर कर रही है तो उसका माइंडसेट क्या रहता है. तो एक कंपनी जब हायर कर रही होती है तो उसका माइंडसेट रहता है कि वो ऐसे कैंडिडेट्स हायर करे जो कि उनके लिए आगे चल के एक अच्छा पोटेंशियल बन पाए. तो अगर वो फ्रेशर हायर कर रही है तो फ्रेशर का तो कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं रहता है, पहले प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं रहता है, इसलिए उनका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनके पास स्किल्स हैं या फिर नहीं है. तो उनका टेस्ट होता है IQ बेस पे. IQ के लिए कंपनीज यूजुअली एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछती हैं या फिर DSA के क्वेश्चंस पूछती हैं. बट एक बार आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट बन जाओ तब आप स्पेसिफिक रोल के लिए हायर होते हो, वो भी स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशंस के साथ. तो आपके राउंड्स थोड़े डिफ़िकल्ट हो सकते हैं एंड थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा राउंड्स आपके और हो सकते हैं. तो सबसे पहले बेसिक अगर हम ब्रेक डाउन करें इंटरव्यू राउंड्स का, तो सबसे पहला राउंड तो होता है आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड. आप करियर पोर्टल पे अप्लाई करो, चाहे रिक्रूटर के थ्रू अप्लाई करो, चाहे रेफरल दो, आपका रेज्यूमे विल बी योर फर्स्ट राउंड. ठीक है, एक बार आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, जो कि इतना आसान नहीं होता क्योंकि उसमें भी बहुत कंपटीशन होता है. तो अगर आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि आपको अपना रेज्यूमे अच्छा बनाना है, तो आप मेरे रेज्यूमे का वीडियो देख सकते हो ताकि आप अपने रेज्यूमे खुद रिव्यू कर लो एंड फाइन ट्यून कर लो. उसमें मैंने एक एक सेक्शन के बारे में अच्छे से बात की है एंड आपको आई एम श्योर वहाँ से कुछ ना कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी. सो दिस वॉज अ फर्स्ट राउंड, दैट इज़ रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड. नेक्स्ट राउंड है ऑनलाइन टेस्ट राउंड. उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, कुछ कंपनीज़ इस राउंड में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछती है या फिर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है, कुछ कंपनीज़ इस राउंड में लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछती है, सिंटैक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, कुछ कंपनीज सब्जेक्ट्स भी पूछ लेती हैं एंड ज़्यादातर कंपनीज DSA पूछती हैं. ठीक है, तो मैंने जितने भी ऑनलाइन टेस्ट राउंड दिए हैं ज़्यादातर में एप्टीट्यूड एंड DSA पूछा गया है एंड सिंटैक्स बेस्ड भी पूछे गए हैं, बट मोस्टली DSA में सबसे ज़्यादा फोकस होता है इसमें. एंड हाउ डज इट गो, तो आपको लिमिटेड टाइम दिया होगा एंड उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में आपको DSA के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. ठीक है, तो अगर आपको इस राउंड की प्रेपरेशन करनी है आपको कॉन्टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे, उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम इम्प्रूव होगी. ठीक है, आप कम टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो. सो दिस वॉज अ राउंड 2, दैट इज ऑनलाइन टेस्ट राउंड. देन आपका नेक्स्ट राउंड कुछ टेक्निकल इंटरव्यूज़ होंगे. फिर आपके 3 से 4 टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं जनरली, इंटर्नशिप्स के लिए भी एंड फुल टाइम के लिए भी. तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा फोकस होगा DSA पे. उसके अलावा और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. कुछ कंपनीज़ नहीं भी पूछते सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे गूगल सिर्फ DSA पूछती है. एंड आपका रेज्यूमे वॉक थ्रू भी हो सकता है एंड ऑब्वियसली आपका इंट्रोडक्शन वगैरह भी होगा उसमें, तो दैट इज़ यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है, सो मेन फोकस यहाँ पे रहता है आपका DSA. ठीक है, तो अगर आपको DSA की तैयारी करनी है इस राउंड के लिए, टेक्निकल राउंड्स के लिए, तो आपको कंसिस्टेंटली DSA प्रैक्टिस करनी होगी. डोंट नेग्लेक्ट DSA. एंड ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यूज़ में बैठ रहे हो, श्योर इंटरेस्ट. ठीक है, क्योंकि जो आपको हायर करने आ रहे हैं वो आपको तभी हायर करेंगे, पहली बात, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो एंड उसके लिए डिजर्विंग हो, दैट इज़ वन थिंग. सेकेंड इज कि आपको अपना इंटरेस्ट दिखाना. अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, खुद को रिक्रूटर लेके देखो, आपको कोई क्यों हायर करेगा. ठीक है, तो आपको बहुत ही एंथुजियास्टिक रहना है इंटरव्यूज़ में एंड थिंक आउट लाउड, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है. सो बहुत ही इंटरेक्टिव रखो अपना इंटरव्यू. जो भी आप सोच रहे हो आपका थॉट प्रोसेस वहाँ पर क्लियर होना चाहिए, आपका अप्रोच वहाँ पर देखा जाएगा, दैट इज़ द मेन थिंग. नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू में बैठ रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड रहना है उसके लिए आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड करने पड़ेंगे. एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड करने के लिए आपके पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं. सबसे पॉपुलर वंस आर लीड कोड एंड GFG.
तो ये दोनों वेबसाइट्स काफ़ी हैं एक्चुअली इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस रीड करने के लिए. तो रीड करके ही जाओ ताकि आपको आइडिया रहे, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एंड यू विल बी रेडी फॉर वॉट एवर इज़ ऑन योर वे. ठीक है. एंड उसके अलावा इंटरव्यूज़ में बैठने से पहले थोड़े बहुत मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दे दो ताकि आप और कॉन्फिडेंटली अपने आंसर्स बता पाओ. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपका सिस्टम डिज़ाइन राउंड भी हो सकता है. इस राउंड में बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया होगा एंड आपको उसके लिए सोल्यूशन डिज़ाइन करना है. ठीक है. तो ये ज़्यादातर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही पूछा जाता है एंड आपको इन सब राउंड्स के लिए प्रिपेयर रहना है. इसके अलावा टेक्निकल इंटरव्यूज़ के अलावा भी आपके और राउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि बिहेवियरल इंटरव्यू हो सकता है, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू एंड HR राउंड हो सकते हैं. सो दैट विल बी कंपेरेटिवली वेरी सिंपल. सो दिस वॉज अ ब्रेक डाउन ऑफ ऑल द इंटरव्यू राउंड्स. अगर आप रिसोर्सेज की बात करो तो मैंने कुछ वेबसाइट्स आपको बताई, जैसे कि इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिए लीड कोड बताया, GFG बताया. एंड मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू बिट एंड प्रैम्प्ट. मैंने पर्सनली दोनों यूज़ किए हैं. अब आ जाते हैं DSA पे. अगर आपको DSA प्रिपेयर करना है, खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो आप, बट इफ़ यू नीड हेल्प आप कोचिंग वगैरह ले सकते हो. सो एक कोचिंग है जो कि काफ़ी अच्छा है DSA में, दैट इज़ बाय HeyCoach. तो वो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारे पर्क्स होते हैं इसको ज्वाइन करने के. जैसे कि आपको 4 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग मिलेगी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम डिज़ाइन में. उसके अलावा आपको 1-on-1 डेडिकेटेड मेंटरशिप भी मिलेगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स वो लोग होते हैं जो एज अ सीनियर SDE काम कर चुके हैं टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में. सो काफ़ी अच्छे मेंटर्स मिलेंगे यहाँ पे. उसके अलावा आपकी प्रोफाइल इवैल्यूएशन भी होंगी, यानी कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, रिज्यूमे वगैरह सब इवैल्यूएट होंगे. उसके अलावा आपको मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देने का भी मौका मिलेगा. अगर आप इस ऑनलाइन कोचिंग के फाउंडर्स की बात करो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है, जैसे कि प्रतीक कापसी, उन्होंने गूगल और रेज़रपे में काम किया है, और आदित्य कमात, जिन्होंने लिंक्डइन और डायरेक्ट टाइम में काम किया हुआ है. तो अगर आप एक इंजीनियर हो या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर खुद को अपस्किल करना चाहते हो इस फील्ड में, जैसे कि DSA और सिस्टम डिज़ाइन में, और आपके पास एक बेसिक प्रायर प्रोग्रामिंग नॉलेज है, ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो. इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई विल ऐड दैट देयर. बट इससे पहले मैं इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के 3 राउंड्स होते हैं. सबसे पहला होता है काउंसलिंग, जिसमें एंश्योर हो जाता है कि आप एक्चुअल में इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो एंड इस प्रोग्राम के लिए गुड फिट हो. सेकेंड राउंड होता है एक बेसिक सा एलिजिबिलिटी टेस्ट, जहाँ पे आपकी स्किल्स दिखाने का आपको मौका मिलता है. थर्ड राउंड होता है आपका स्क्रीनिंग राउंड, जहाँ पे आपके बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वगैरह डिस्कस किए जाते हैं. एंड एक बार आपके 3 basic rounds क्लियर हो गए, उसके बाद यू विल बी इन फॉर दिस प्रोग्राम. एंड एक बार आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर लो, उसके बाद आपकी अपस्किलिंग तो होती है, उसके अलावा आपको काफ़ी सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मिलता है जो कि आपको बाकी वेबसाइट्स पे नहीं मिलता है. जैसे कि आई वाज गोइंग थ्रू देयर वेबसाइट एंड फाउंड 3 signature frameworks जो कि काफ़ी यूनिक है एंड काफ़ी ऑसम भी है. द फर्स्ट वन इज़ द ग्रेट पिरामिड. इसमें क्या होता है, जो इनके वीकली मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसके प्रोग्रेस को ये लोग एनालाइज करते हैं एंड 15 levels होते हैं इनके पास. तो ये कैंडिडेट्स को एक लेवल असाइन करते हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट मॉक इंटरव्यू. एंड कैंडिडेट किस लेवल में असाइन हो रहा है, उस लेवल के हिसाब से कैंडिडेट को पता चल जाता है कि वो कौन कौन सी कंपनीज के लिए एलिजिबल है. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट, कि आपको क्लैरिटी हो जाती है कि अभी आप इस कंपनी में एलिजिबल हो एंड उस कंपनी में आपको टारगेट करना है, यानी कि आपको अपना लेवल इतना इम्प्रूव करना है. सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, द ग्रेट पिरामिड. नेक्स्ट इज DSA माइंड मैप. तो यार लीड कोड पे 2700 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है. अगर आप वो क्वेश्चंस आज करने बैठो, आपको 2 साल लग जाएगा कंप्लीट करने में, जो कि सही तरीका नहीं है. आपको लीड कोड के फर्स्ट प्रॉब्लम से अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं करनी, जो कि 2 sum है, ठीक है. आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको बहुत ही स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है. तो इनके प्रोग्राम में क्या है, इन्होंने सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको क्यूमुलेट करके 127 patterns में डिवाइड किया. सो इन 127 patterns को समझने के बाद आप लीड कोड का कोई भी क्वेश्चन उठा करके पिक कर सकते हो एंड यू विल बी कॉन्फिडेंटली एबल टू सॉल्व दैट, ठीक है. सो दिस वॉज देयर सेकेंड सिग्नेचर फ्रेमवर्क, दैट इज DSA माइंड मैप. थर्ड वन इज DSA विजुअलाइजर. तो एज अ नेम सजेस्ट, ये एक विजुअलाइजिंग टूल है किसी इसका एल्गोरिदम्स का, ठीक है. तो DSA के जितने भी एल्गोरिदम्स हैं उनको विजुअलाइज करके ये बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करेगा ये टूल. एंड इससे काफ़ी हेल्प होगी आपको वो चीज़ अच्छे से समझने में, उसके अलावा ज़्यादा टाइम तक याद रखने में, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम पिक्चर्स एंड मूवीज़ को ज़्यादा
टाइम तक याद कर सकते हैं एंड ज़्यादा अच्छे से कैच कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे आप DSA प्रॉब्लम्स को काफ़ी इंटुएटिवली सोच पाओगे। अब हमने इतनी सारी चीज़ें तो देख ही ली हैं इस प्रोग्राम के बारे में, एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसके प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक क्या है। तो अगर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका एवरेज पैकेज गया है 27 LPA, ठीक है, जो कि कम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। और काफ़ी अच्छी कंपनीज हायर करती हैं कैंडिडेट्स को, और इसके टोटल लर्नर्स 1500 से भी ज़्यादा हैं। एंड इसका हाईएस्ट पैकेज अभी तक गया है 98 LPA, विच इज़ अगेन एन ऑसम थिंग, राइट। तो कुल मिला के बात ही हो जाती है कि आपको सारे इंटरव्यूज़ के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, चाहे आप खुद से करो, चाहे आप कोई ऑनलाइन प्रोग्राम ले लो या फिर कोचिंग ले लो, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो में मैंने जितने भी लिंक्स मेंशन किए हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड टेक केयर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।